नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP रियल टिप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने Instagram अकाउंट से रील्स को हाइड कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने Instagram अकाउंट से किसी रील्स को हाइड करना चाहते हैं, उसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे हाइड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिसकी मदद से आप जो मर्जी पोस्ट या फिर रील्स को आसानी से हाइड कर सकते हैं अपने Instagram अकाउंट से बगैर डिलीट किए हुए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने Instagram एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जस्ट उसके बाद आप जैसे ही अपने Instagram एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद आपको राइट कॉर्नर में जो आपकी Instagram प्रोफाइल दिख रही है, कहने का मतलब आप अपने Instagram प्रोफाइल में एंटर हो जाइए। तो यहाँ पर हमारी कुछ पोस्ट और रील्स आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर आपको जो भी रील्स को यहाँ पर हाइड करना है, सिंपली उस रील पे ऐसे टैप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रील्स पोस्ट की हुई है। अब इन रील्स में से कुछ रील्स को अगर मैं हाइड करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने एक रील्स है, अगर हम इसको हाइड करना चाहें तो आपको करना क्या है, इस रील के जस्ट बगल में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक अर्काई का ऑप्शन मिल जाएगा। अर्काई के इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा लोडिंग होगा और ये रील्स आपके अकाउंट से बिल्कुल हाइड हो जाएगी। मैं आपको दोबारा से भी अपने प्रोफाइल में रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। जो रील हमारे पहले प्रोफाइल में शो हो रही थी वो अब बिल्कुल यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब आपको ये अनहाइड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हाइड तो कर दिया, अगर आप इसे फिर से रिस्टोर करना चाहें, इसे फिर दोबारा से अनहाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपको दोस्तों करना क्या है, आप जैसे अपने Instagram प्रोफाइल में आएंगे, उसके बाद आपको राइट कॉर्नर पर यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको एक अर्काई का ऑप्शन मिलेगा। अर्काई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अर्काई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर पोस्ट अर्काइव या फिर स्टोरी अर्काइव का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल सकता है। आपको इस एरो पे टैप करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप किसी स्टोरी को अर्काइव करते हैं या पोस्ट को अर्काइव करते हैं या फिर लाइव को अर्काइव करते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने पोस्ट को अर्काइव किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको पोस्ट पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम इस पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारी वो रील्स वीडियो शो हो जाती है जो अभी मैंने अर्काइव यानी हाइड की हुई है। अब हम इसको दोबारा से अपने प्रोफाइल में अनहाइड करना है, करें तो कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको उस रील पे अर्काइव के ऑप्शन पे आ जाएंगे और उसको आपको फिर से 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर शो ऑन प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और दोबारा से ये रील्स आपकी Instagram प्रोफाइल में दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी, यानी शो दोबारा से होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मैं आपको दोबारा से अपने Instagram प्रोफाइल में एंटर हो जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये रील अभी जो फ़िलहाल आपको हाइड दिख रही थी, ये दोबारा से यहाँ पर अनहाइड हो चुकी है। तो इसी तरह से आप भी अपने Instagram अकाउंट से किसी भी रील्स या फिर पोस्ट को आसानी से हाइड कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और फिर भी अगर मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।